90% पाकिस्तानी जो है मर्दाना कमजोरी का शिकार है, तो आप 90% में हैं या 10%? हम है ही नहीं, हम क्यों कह दें कि हम हैं। 10% हैं जिनको कमजोरी नहीं है, 90% है जिनको है। आप 90 में हैं या 10 में? 10%। 90% पाकिस्तानी जो है वो मर्दाना कमजोरी का जो है वो शिकार है, तो आप उस 90% में हो या 10%? हम 10% में। आप 90% में से हैं या आप अपने आप को 10% में समझते हैं? मैं 90%। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने अक्सर देखा होगा हर दूसरी दीवार के ऊपर लिखा होता है मर्दाना कमजोरी के लिए फलाह हकीम से राबता करें। आज हम लोगों के सामने एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन पेश करेंगे जिसमें हम उन्हें कहेंगे कि एक सर्वे में क्या कहा गया है और क्या उन्होंने कभी किसी हकीम से राबता किया। 90% पाकिस्तानी जो है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है क्योंकि हर दीवार के ऊपर लिखा होता है ना मर्दाना कमजोरी के लिए फलाह हकीम से राबता करें। तो आप 90% में हैं या 10% में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 10% में। जो दीवारों के ऊपर लिखा होता है इनसे आपको कोई लेना देना? नहीं, मेरा कोई लेना देना। दीवारों के ऊपर अक्सर लिखा होता है मर्दाना कमजोरी के लिए फलाह हकीम से राबता करें। एक नया सर्वे आया, उसमें बताया गया है कि 90% पाकिस्तानी जो है मर्दाना कमजोरी का शिकार है, तो आप 90% में हैं या 10%? नहीं, हम तो इस तरह के है ही नहीं। नहीं, क्या होता है, या आप 90 में हैं या आप 10 में हैं? हम है ही नहीं, हम क्यों कह दें कि हम है। 90% पाकिस्तानी जो है वो मर्दाना कमजोरी का जो है वो शिकार है, तो आप उस 90% में हो या 10%? हम 10% में। तो ये जो दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होता है मर्दाना कमजोरी के लिए फलाह हकीम से राबता करें, तो आपने कभी राबता किया? नहीं, हमने कभी नहीं किया राबता। अभी एक नया सर्वे आया जिसमें बताया गया है कि यार 90% पाकिस्तानी जो है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार है, 10% जो है वो ठीक है क्योंकि हर दीवार के ऊपर लिखा होता है ना मर्दाना कमजोरी के लिए फलाह हकीम से राबता करें। कभी आपने राबता किया? कभी आज तक नहीं किया। आप 90% में से हैं या आप अपने आप को 10% में समझ दें? मैं 90% 10% में हूँ। 10% में हूँ।